मस्क्यूलर लुक और जबरदस्त फीचर्स। धांसु अवतार में आ रही है नई। फ्रांस की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी रेनो ने अपनी मशहूर एसयूवी रेनो डस्टर को एक बार फिर से नए अवतार में पेश किया है। खबर है कि कंपनी जल्द ही इसे इंडियन मार्केट में पेश करेगी। फिलहाल इस एसयूवी ओवरसीज मार्केट में उतारने की तैयारी है और इसकी कुछ ऑफिशियल तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एसयूवी पूरी तरह से बदली नजर आ रही है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी इसे अगले साल तक डस्टर को एक बार फिर से बाजार में उतार सकती है। तो आइए देखें कैसी है नई रेनो डस्टर, कैसा है एक्सटीरियर। लुक और डिजाइन के मामले में ये काफी हद तक डेसिया डस्टर की तरह ही है, जिसे पिछले नवंबर में पेश किया गया था। और जैसी की उम्मीद थी, ये डिजाइन, फीचर्स और लेआउट के मामले में डेसिया डस्टर ही होगी। तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि इस एसयूवी में पतले हेडलैम्प के साथ ऊंचे स्टांस, बड़े पहिए और डबल स्टैक ग्रिल दिए गए हैं। डायमेंशन के मामले में कोई अंतर नहीं है। इसकी लंबाई 4343 मिलीमीटर है और इसमें 2657 मिलीमीटर लंबा व्हीलबेस मिलता है। तो जाहिर है कि आपको एसयूवी के भीतर बेहतर केबिन स्पेस मिलेगा। इसका सिलहूट काफी परिचित है, जैसा कि ट्रेडिशनल डस्टर में देखा गया था। हालांकि पीछे की तरफ इस एसयूवी में ट्रायंगुलर टेल लैंप और एक मोटा बूट डोर मिलता है। इंटीरियर पर एक नज़र, यहां तक कि केबिन भी वैसा ही है जैसा हमने कुछ महीने पहले देखा था, जिसमें डुअल डिजिटल डिस्प्ले, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ग्रे और ब्लैक केबिन और स्टैक्ड सेंटर कंसोल जैसी चीजें थी। इसमें 7 इंच का वर्चुअल डैशबोर्ड और 10.1 इंच का चस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। हालांकि अभी इसके इंटीरियर की बहुत ज्यादा तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी इसके बेस मॉडल में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल और बेहतर फीचर से लैस होगी। इंजन और परफॉर्मेंस। ओवरसीज मार्केट में उतारी जाने वाली रिन्यूअल डस्टर में कंपनी 1.0 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करेगी, जो कि 100 BHP की पावर जेनरेट करता है। इसके अलावा इस एसयूवी में कुछ अन्य पावर ट्रेन विकल्प मिलने की भी उम्मीद है। बताया जा रहा है कि ये एसयूवी इसी इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से लैस करके भी पेश की जाएगी, जो 48 वोल्ट स्टार्टर जेनरेटर के साथ आएगा। इसके अलावा टॉप वेरिएंट में 140 अश्वशक्ति की क्षमता का 1.6 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन दिया जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से लैस होगा। कब लॉन्च होगी एसयूवी? हालांकि रेनो इंडिया ने अभी इस एसयूवी को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी इसका प्रोडक्शन चेन्नई स्थित निसान रेनो के प्लांट में करेगी और इसे अगले साल तक बाजार में उतारा जा सकता है। संभव है कि इस एसयूवी को 5 सीटर और 7 सीटर दोनों सीटिंग लेआउट के साथ यहां के बाजार में उतारा जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।